नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी हमारे चैनल को अभी तक जिन दर्शकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मध्य प्रदेश के किसान ने कायम की अनोखी मिसाल, बेटियों के लिए खेत में ही बनाया रेसिंग ट्रैक। उड़ीसा सरकार देगी किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता। लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान से उबारने की कोशिश में लगी सरकार। ईमार्ट के जरिए किसान देश में कहीं भी बेच सकेंगे अपनी उपज। जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से मिलेगी सुविधा। देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुकी हरियाणा की बहनें गीता और बबीता फोगाट की कहानी के बारे में आज कौन नहीं जानता। उनकी सफलता के पीछे उनके पिता की मेहनत से भी आज हर कोई वाकिफ है। ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आई है, जहां एक गरीब किसान अपनी तीन बेटियों को एथलीट बनाने की कोशिश में हर वो जरूरी काम करने को तैयार है जिसका फायदा उसकी बेटियों को मिल सके। आपको बता दें कि सागर जिले के रहने वाले किसान विनोद रजक की तीन बेटियां और एक बेटा है, जिसमें से वो अपनी तीन बेटियों को एथलीट बनाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला राज्य में चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि किसान ने अपने बच्चों की प्रैक्टिस के लिए अपने खेतों में ही रेसिंग ट्रैक बनाया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही लड़कियों को राज्य की एथलेटिक्स हंट में मौका मिलने की उम्मीद है। इस छोटे से गांव में खेलकूद के लिए सुविधाएं मौजूद नहीं है। विनोद का सपना है कि उनकी बेटियां भी गीता और बबीता की तरह देश के लिए पदक जीत कर लाएं। इसलिए उन्होंने बेटियों की प्रैक्टिस के लिए अपने खेत में ही सारा इंतजाम कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि किसान की तीन बेटियों में से काजल और पूजा नेशनल खेल चुकी हैं और आस्था स्टेट लेवल पर अपनी पहुंच बनाने में जुटी हुई है। विनोद रजक के पास करीब 1 एकड़ जमीन है जिसमें वो खेती करते हैं और बच्चे एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। बीते गुरुवार को देव स्नान पूर्णिमा के खास मौके पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए एक खास तरह की योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत दूध उत्पादकों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और गौ खाद्य खर्च के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 6000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे 1,20,000 दुग्ध किसानों को लाभ मिलेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से उड़ीसा के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे समय में केवल किसान व इससे जुड़े क्षेत्र ही हमें संजीवनी की तरह शक्ति दे रहे हैं। लॉकडाउन के समय हमारे किसान भाइयों ने जिस साहस के साथ अपना काम जारी रखा है वो काबिले तारीफ है। उसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दुग्ध किसानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे और गरीब किसानों का जीवन व जीविका इसी से चलती है। कोविड महामारी में दुग्ध व दुग्ध से जुड़े द्रव्य की मांग काफी कम हो गई है, इससे दूध किसानों की जीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दुग्ध किसानों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के किसानों को अब फल और अनाज की बिक्री के लिए इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई मार्ट के जरिए अब यहाँ के किसान बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में आसानी से बेच सकेंगे। इसके लिए किसानों को जन सुविधा केंद्र जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। अच्छी बात यह है कि ये पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क होगा, तो वहीं ये सुविधा उन किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी जो हर साल किसी न किसी फसल की पैदावार करते रहते हैं, लेकिन खरीदार ना मिलने पर उन्हें अपनी फसल को लोकल मार्केट में ही औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। आपको बता दें कि प्रदेश में पीलीभीत कृषि प्रधान जनपद की श्रेणी में शुमार है। यहाँ धान, गेहूं और गन्ने की खासी पैदावार की जाती है। हालांकि कुछ किसान सब्जी, मेंथा, केला आदि की फसलें भी पैदा करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जो काला गेहूं, काला धान, आइस बॉक्स तरबूज,
खीरा, स्ट्रॉबेरी आदि की भी खेती करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब जनपद में इन फसलों की बिक्री के लिए कोई उचित मंडी या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसे में अब जनपद में 2000 से अधिक जन सुविधा केंद्र पर ई मार्ट की सुविधा शुरू की गई है। ई मार्ट पर पंजीकरण कराने वाले किसान घर बैठे ही अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे। खास बात यह है कि इस सुविधा से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल सकेगी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।